टुडे वे विल स्टार्ट चैप्टर एटीन नेम इज ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक आईडेंटिटीज फ्रॉम एम एल अग्रवाल

No here, question number six first part sign thirty-five into cost fifty-five five into sign fifty-five upon. टेन, टेन एटी। या देखो थर्टी फाइव फिफ्टी फाइव का सम नाइनटी <coughs> बट यहाँ पे एक ध्यान रखना है एक चीज का कि या तो दोनों में थर्टी फाइव वाली टर्म को चेंज करो या दोनों में फिफ्टी फाइव वाली टर्म को चेंज करो चलो हम इसको चेंज करते हैं साइन थर्टी फाइव यस प्रियतम साइन फाइव yes, में से मैं क्या माइनस करूंगी थर्टी फाइव आ जाए फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव इंटू कॉस फिफ्टी फाइव एज लाइक सेम वे प्रियतम कॉस yes, क्या आएगा माइनस फिफ्टी फाइव नाइन्टी माइनस फिफ्टी फाइव इंटू साइन फिफ्टी फाइव अपॉन डाउनवर्ड्स टेन एंड एटी दोनों का सम नाइनटी है तो दोनों yes, में से sir. एक को चेंज करना है इसको चेंज कर देते हैं क्या ना माइनस स्क्वायर प्रियतम साइन नाइनटी माइनस थर्टी फाइव और फिफ्टी फाइव सर 55 सर 90 माइनस थीटा थीटा इज हियर 55 तो yeah. cos 55 इनटू cos हां जी सर आपकी सर वॉइस कट हो रही है नहीं बेटा ऐसे तो हो नहीं सकता सर अभी थोड़ी लैग कर yeah. रही थी वॉइस वो आपका फिर नेटवर्क वो है बेटा वीक है ओके सर हां जी आपने साइन नाइन्टी माइनस फिफ्टी फाइव कॉस फिफ्टी फाइव क्यों लिखा है फॉर्मूला नहीं पता आपको so, मैं भूल गई बस अपने मैथ की मैं मार्क्स भी भूल जा फिर अगर फॉर्मूला भूल जाती है तो साइन नाइनटी माइनस थीटा सीटा थीटा की इक्वल होता है साइन और कॉस नाइन्टी माइनस थीटा साइन थीटा साइन फिफ्टी फाइव इंटू साइन फिफ्टी फाइव एज लाइक तो नीचे यस माइनसिड नाइंटी माइनस थीटा थीटा किसके इक्वल होता है सर सीकेंड थीटा आप कैसे याद आ गया सर याद नहीं आया सर आपकी आवाज आपने जैसे ही बोला मैंने वैसे ही माइक खोल दिया

एटी और एटी थीटा की वैल्यू सेम तो वन वन अपॉन वन इज वन इज द आंसर ये हमारा सिक्स का फर्स्ट पार्ट हो गया समझ आया बेटा ये सबको ये सर नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर सेकंड सेकंड पार्ट सिक्स का साइंस स्क्वायर थर्टी फोर प्लस साइंस स्क्वायर फिफ्टी सिक्स प्लस टू टेन एटीन इंटू टेन सेवेंटी टू माइनस कॉ स्क्वायर थर्टी दिस वन साइन देखो थर्टी फोर एंड फिफ्टी सिक्स इन दोनों का सब नाइन्टी बन रहा है अंकित इन दोनों में से किसको चेंज करें साइन स्क्वायर थर्टी साइन को साइन स्क्वायर एज लाइक 90 में से मैं क्या माइनस करूंगी थर्टी फोर आ जाए फिफ्टी सिक्स प्लस को ऐसे रहने दो दोनों को चेंज नहीं करना दोनों में से एक को करना है चाहे इसको कर लो चाहे इसको आप इसको कर रहे हो तो मैंने इसको कर दिया यहां पे भी प्लस एटीन और सेवनटी टू इन दोनों का सम नाइन्टी बन रहा है वहां मेंशन नहीं करना कहीं पे कि इन दोनों का सम नाइन्टी है वो अपने सिर्फ माइंड में करना है 18 और 72 का सम 90 90 इसको चेंज कर देते हैं संकेत yes, में से क्या माइनस करूं सेवेंटी टू जाए टू टेन सेवेंटी टू एज लाइक अब कॉट थर्टी इसकी वैल्यू फिल करनी पड़ेगी टेबल में से कॉट थर्टी की वैल्यू क्या होती है रूट थ्री होती है रूट सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग साइन नाइनटी माइनस थीटा यस अरसलान क्या होता है असलान साइन नाइनटी माइनस थीटा इज नो अश्लेषा साइन नाइनटी माइनस थीटा किसके इक्वल होता, हाँ, होता है स्क्वायर डिग्री हाँ हा थीटा होता है स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा फिफ्टी सिक्स प्लस साइन स्क्वायर फिफ्टी सिक्स एज लाइक प्लस टू टेन नाइन्टी माइनस सेवन टू भी बता दो बेटा कॉट सेवेंटी टू डिग्री सर क्या करा रहे हो मैथ्स oh, सर ये क्या बात मैथ्स में क्या करा रहे हो सर ये तेरे को क्या दिख रहा है नहीं सर ट्रिग्नोमेट्री तो करा रहे हो कौन सी बुक से करा रहे हो एम एल अग्रवाल ग्रुप देख लिया घर चेक कर लिया घर सर मैं ना जस्ट अभी जस्ट अभी आई हूँ मैंने बैग तक रखा है बस मैं अपने घर वालों से भी अभी ढंग से नहीं मिली

आया समझ हाँ जी सर शाह जी की स्पीच आपको कैसी लगी तो यहाँ पे आ जा वापस यार सर ये गलत बात है बाद में करेंगे बातें स्क्वायर 34 sin² 56 34 एंड 56 केशव इन दोनों का सम कितना बन रहा है 90 बन रहा है ना तो दोनों में से एक को तो चेंज करेंगे इसको चेंज कर दिया 18 एंड 72 दोनों का सम 90 बन रहा है एक को चेंज करेंगे इसको चेंज कर दिया

Theta, होता है ये formula. ये याद रखना फॉर्मूलास क्योंकि तो के बिना हमें कुछ नहीं आएगा यहां पर माइनस थ्री ये दोनों पॉजिटिव है थ्री माइनस थ्री जीरो दिस इज आंसर Yes sir. yes sir yes sir yes sir now we'll reach on question number seventh seventh first part a Yes sir sign thirty five into cause fifty five sign thirty five into cause 55 प्लस कॉस्ट 35 इनटू इंटू साइन फिफ्टी फाइव अपॉन कॉस एक मिनट पहले मैंने यही नहीं करवाया था सर ये क्वेश्चन नंबर सिक्स का है सॉरी मैंने सिक्स लिख लिया सेवन का फर्स्ट पार्ट बेटा टेन ट्वेंटी फाइव अपॉन कॉसिक 65 प्लस कॉट 25 फाइव अपॉन सिक्सटी फाइव होल स्क्वायर प्लस टू टेन 18 टेन 45 एंड tan 72 दिस वन इज द क्वेश्चन यस अयोधिका देखो यहां पे 25 और 65 दोनों का सम क्या बन रहा है Sir, nine, uh, 70, 90. 90. दोनों में से एक को चेंज को चेंज करना है किसको करें सर 10. 10. 10, 25 दोनों मतलब दोनों में ट्वेंटी फाइव तो वाली टर्म को, yes. को चेंज करो या दोनों में ये ध्यान रखना है ये ना हो जाए कहीं आप यहाँ पे ट्वेंटी फाइव वाली टर्म को चेंज कर दो और यहाँ तो रॉन्ग हो जाएगा टेन ट्वेंटी फाइव को क्या लिखू मैं अयोधिका

दोनों में 625 को क्योंकि यहाँ पे ना स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बनेगी आगे दैट्स द रीज़न ओके सर कॉसिकेंट 65 एज़ राइट right. तो थीटा सेम होना चाहिए ना उस टाइम दैट्स द यस सर यस सर यहां पे अयोदिका कॉट yes, 25 sir. को क्या लिखूं सर कॉट 90 minus, uh, 25 सॉरी सर 65 अपॉन 1665 या देखो 18 और 72 दोनों का सम 90 है दोनों में से एक को चेंज कर देते हैं इसको चेंज कर दो दे। देखो मैंने टिक लगा ली के इन तीनों को चेंज करना है बाकी सेम टू सेम आ रहे हैं सारे के सारे प्लस 2 tan 18 को क्या लिखूं tan सर tan 90 72 tan 45 की वैल्यू फिल करनी पड़ेगी दैट इज वन टेबल में से देखेंगे 1 होती है tan 72 एज लाइक अब

वैल्यू वन होती है प्लस टू टेन नाइनटी माइनस थीटा सर कॉट सेवेंटी टू इंटू वन लिखने की जरूरत नहीं है इंटू टेन सेवेंटी टू लिख लो ओके okay? अब यहां थीटा <coughs> को मैं क्या साइन कॉस में कन्वर्ट करो कॉट थीटा किसके इक्वल होता है अयोधिका सर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा तो कॉस 65 कॉस 65 अपॉन साइन 65 और कोसेकेंट 65 इसको भी साइन कॉस में कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल होता है सर 1 अपॉन सर 1 अपॉन साइन 65 साइन ऊपर आ जाएगा है ना 1 अपॉन आएगा ना तो ऊपर आ गया होल स्क्वायर सेम बस अब नहीं बोलना अयोधिका Now, Chinmay, 1065 को क्या लिखूट uh, uh, नहीं बेटा साइन कॉस में में सर थीटा uh, uh, का फॉर्मूला क्या होता uh, है सर yes, uh, बच्चे मैं थीटा पूछ रहा हूँ साइन अपॉन कॉस सर पता है कि नहीं पता कट नहीं जाएगा नहीं रही। काटेंगे यार पूरा स्टेप तो लिख दू अच्छा सर 65, one, होता है सर। होल स्क्वायर प्लस टू अब यहाँ टेन सेवेंटी टू है यहाँ कोर्स सेवेंटी टू है तो कोट को वन अपॉन टेन सेवेंटी टू लिख सकते हैं इंटू टेन सेवेंटी टू अब याद रखना फॉर्मूला चिन्मय फॉर्मूलाज नहीं याद होंगे तो बेटा कोई फायदा नहीं है सर एक्चुअली मैं इतना करती हूं ना कि पहले ऊपर वाले लिख देती हूं उसके बाद जो तो बड़ा वाला लाइन उसके नीचे ना एक्स बात बाद लिखती इस वजह से ओके sin 65 sin 65 कट गया cos 65 का स्क्वायर cos 65 यहां cos 65 से cos 65 sin 65 का स्क्वायर sin 65 tan 72 से tan 72 प्लस 2. अब ये फॉर्मूला पता है तेरे को साइंस स्क्वायर थीटा प्लस यस सर

तो यहां पे दिवांशु यहां 25 और 65 का सम 90 बन रहा है ना यस yes, सर दोनों में से एक को चेंज करना है इसको चेंज कर दें ओके सर क्या लिखू मैं cos स्क्वायर 90 में से 90 क्या माइनस करू 25 आ जाए 65 65 प्लस cos स्क्वायर 65 एज लाइक like. कॉसिकेंड थीटा एज लाइक like. इनटू सीकेंड 90 माइनस थीटा दिवांशु क्या होता है

तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर आ जाएगा ना, कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा स्क्वायर इज़ देयर देन स्क्वायर इज़ आल्सो देयर प्लस सॉरी 65 आएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65 या कॉसिकेंट इनटू कॉसिकेंट दिवांशु बोलना नहीं अब ओके सर नाउ हर्ष कॉसिकेंट थीटा

मतलब जहां पे भी यूज होता है ना उसके साइड पे लिख देना मैं कई प्लेसेस पे लिख नहीं रहा क्योंकि स्पेस कम हो रही है मेरे पास कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज आल्सो इक्वल टू वन ये फॉर्मूलाज हैं दिस इज द आंसर सेवन सम हमारा कंप्लीट नाउ वी विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर एट यस इप्शिता यस सो एट का फर्स्ट पार्ट सीकेंड ए प्लस टेन ईंटू किसके इक्वल प्रूफ करना है? है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड यहां पे देखो कोई भी स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं बन रहा ये सीकेंड है ये टेन है मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी नहीं आएगा तो यहां पे क्या करेंगे हम इबा क्या करेंगे बताओ सर साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे हाँ नाइन्टी परसेंट क्वेश्चन मैं फिर से वहीं पे आ रहा हूँ जहां पे मैंने स्टार्टिंग की थी कि नाइन्टी परसेंट केसेस में हर एक चीज को बेटा साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो सबके फॉर्मूलाज हैं साइन कॉस को साइन कॉस रखना है और बाकियों को कन्वर्ट करना है सीकेंड ए को क्या लिखू इप्सिता कहां गई सर इधर ही हूं सर वन बाय कॉस वन और सर कौसे? कौसे और सर टैनिक आ जाएगा सर साइने अपॉन कौसे साइने अपॉन कौसे इनटू सेम वन माइनस साइने देखो साइन को कन्वर्ट नहीं करना और ये राइट हैंड साइड नहीं लिखनी साथ में क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है यहाँ एलसीएम क्या आ गया इप्शिता सर यहाँ एलसीएम आ गया कौसे और सर वहां पे सेम वन प्लस साइन यस वन प्लस साइन into one, one, minus, one minus uh, sorry one, sorry, one minus sin a और अपॉन uh, वन आ जाएगा सर वन माइनस साइन ए तो सर इंडिविजुअली है और सर दोनों का मल्टीप्लीकेशन सर वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर नीचे सर दैट इज कॉस नीचे कॉस ए और सर वन माइनस वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस ए तो सीधा आ जाए कॉस स्क्वायर ए बस 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 वन का स्क्वायर वन

न माइनस साइंस स्क्वायर क्या होता है कॉसक्र होता है नीचे कौसे कॉसे कॉस कट गया कॉसे इज द आंसर कौसे हमारा आंसर आ गया आया समझ yes, यही हमने प्रूव करना था सेकेंड पार्ट एथ क्वेश्चन का बेटा अब सेकेंड पार्ट कर रहे हैं यस yes, एक्सरसाइज कौन सी करा रहे हो एक ही एक्सरसाइज है बेटा एटीन चैप्टर एम एल अग्रवाल में

ये तो पता होगा yes, इक्वल की वैल्यू है वन का square one. Sin A का स्क्वायर स्क्वायर right? डालना यहाँ पे क्योंकि तो प्रूव करने है सीकेंड स्क्वायर एज लाइक वन माइनस साइन का फॉर्मूला भी नहीं पता होगा क्या पता है Pardon. Square, हमारे पास दूसरा स्क्वायर वाला ये होता है बेटा होता है अब यहां को उस साइड ले जाए तो कॉस स्क्टा वन माइनस साइंस स्क्टा आ जाता है ना तो वन माइनस साइंस स्क्वायर की प्लेस पे कॉस लिख देंगे cos से एक कट गया वन, इसे तो, तो वन हैं राइट हैंड साइड यही प्रूव करना था कोई बच्चा ऐसा जिसको ये समझ ना आया हो बेटा सिंपल या स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज लग रही है इसलिए इसको साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं किया सीधा वन प्लस टेन स्क्वायर ये देखो यहां से ये फॉर्मूला तो सबको पता है ना टेन स्क्वायर उस साइड चला गया तो वन प्लस टेन स्क्वायर ये रहा इसके इक्वल सीकेंड तो यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर लिख दिया

सर अगर साइन कॉस में चेंज कर देंगे तो कोई गलत हो जाएगा क्या बस तू तीन थ्री फोर सम छोड़ आएगी फोर फोर मार्क्स वाले एग्जाम सर मैंने ये तो सर जितना स्टेप्स का आपने किया सर मैंने भी उतने ही स्टेप्स का कर रहा है कोई बात नहीं मेरे घर तक आने के बहुत से रास्ते हैं ना बेटा सर गलत तो नहीं है ना नहीं नहीं गलत नहीं होगा ओके okay, सर नाउ नाइंथ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्रेश टेन ए प्लस हमें प्रूव करना है टेन ए प्लस को किसके इक्वल, A into A. इसके इक्वल प्रूफ करना है तो लेफ्ट्रिश टेन yes. को क्या लिख सकता हूं मैं साइन ओवर कोट भी लिख सकते हैं और साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है ठीक है अपॉन कॉस ए एंड कॉट ए को क्या लिख सकते हैं

Into अब इसको मैं बेटा ऐसे लिख सकता हूं वन अपॉन कॉसे इन टू वन अपॉन कोई फर्क पड़ेगा नो चेंज वन अपॉन कॉस क्या होता है यही हमारी राइट हैंड साइड है कुछ भी नहीं है सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना मतलब मैं दो तीन सम्स में लिख रहा हूँ अभी कि इस टाइप से फॉर्मूला लिखने हैं उसके बाद आप अपने आप फॉर्मूला लिखोगे एंड कॉट थीटा बिकम्स इक्वल टू कॉस अपॉन साइन सर एट के सेकंड पार्ट में आपने वन माइनस साइन है इनटू वन प्लस साइन

वन माइनस कॉस ए इज देयर तो उसको ऐसे ही सेम टू सेम लिख लेंगे इसको बेटा मैं क्या लिखूं वन प्लस सीकेंड ए को वन एज लाइक सीकेंड ए को क्या लिखूं कॉस बाय साइन कॉस ए बाय साइन सीकेंड थीटा इज सीकेंड वन अपॉन कॉस ओह वन अपॉन कॉस सॉरी अब यहाँ वन माइनस कॉसे एज लाइक यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है यहां एलसी क्या आ गया लीला वन एंड कॉसे काउ टू कॉसे प्लस वन क्या हो रहा है तेरे को सर। अब as लाइक प्लस वन को बेटा मैं वन प्लस लिख लू कोई फर्क पड़ेगा नो चेंज ए प्लस बीजू बी प्लस अपॉन में क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था वन वन इंटू कॉस सारे के नीचे कॉसे लिख लिया कौन सी आइडेंटिटी बनी वन माइनस कॉस इंटू वन प्लस कॉस डेट इज ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ और वो होल। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ़ ए, लीला? वैल्यू ऑफ़ ए। या, अकॉर्डिंग तू दिस। ओ आह। वन माइनस कॉस इनटू वन प्लस कॉस। तो ए के प्लेस पे वन है ना बिट। तो वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायरी अपॉन कॉ

साइंसर चिट्टा इज 1 माइनस अब बेटा मैं इसको पेर कॉस है, तो इसको मैं साइन ए लिख सकता हूं ऐसे लिख सकता हूँ नीचे कॉस था तो इसके नीचे कॉस लिख लिया वट इज साइन अपॉन कॉस एंटू साइन दिस इज द राइट हैंड साइड टेन इन टू साइन एस इज इक्वल टू आर एच एस हैंड प्रूफ प्रूफ हो गया नाओ वी विच ऑन क्वेश्चन नंबर टेन टेंथ क्वेश्चन बेटा फर्स्ट पार्ट इसमें फोर पार्ट है तो यहां पर अब लीला के बाद टर्न आ रही है मनमोहित की कॉ स्क् माइनस कॉ स्क्

तो स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर सॉरी uh, ये कॉस है बेटा कॉस स्क्वायर ए एज लाइक इसके नीचे वन सर एलसीएम साइन स्क्वायर ए यस व्हाट वी गेट कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इनटू साइन स्क्वायर ए यस नाउ ऊपर से बेटा क्या चीज कॉमन है सर कॉस स्क्वायर

वन प्लस टेन स्कोर ए अपन सॉरी वन प्लस टेन स्क्वायर एनली टेन स्क्वायर ए के नीचे है बेटा वन प्लस किसके इक्वल प्रूफ करना है सिकेंड ए के इक्वल प्रूफ करना है तो अभी मनमोहित के बाद मेहक गर्ग yes, तू इतने दिन कहाँ गायब थी पहले तो ये बता नाइन ओ वाली क्लास नहीं लगाती सेवन ओ क्लॉक में तो होती है नहीं कल नहीं थी सर लगाई थी टेन मिनट्स पहले लीव कर दी थी ओके टेन मिनट पहले लीव कर दिया था जस्ट वेट हाँ जी One as like. Left hand side. तो है है देखो ऊपर नीचे तो टे, टेन ए को मैं क्या लिख सकता बेटा नहीं बेटा और कुछ क्योंकि तो मैं ये बोल रहा हूँ टेन स्क्वायर को मैं टेन को नहीं बोल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ टेन स्क्वायर ए को क्या लिखे बेटा हम वन अपॉन कॉट स्क्वेयर और और क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वेयर ए को वन प्लस सेकेंड स्क्वेयर वन प्लस सेकेंड स्क्वेयर ए के सेकेंड स्क्वेयर ए माइनस वन सेकेंड स्क्वेयर ए माइनस वन नीचे वन प्लस सेकेंड ए दिस वन ना यस एंड वन कैन बी रिटन एज वन स्क्वेयर अब ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज सेकंड a प्लस वन सेकंड ए अपॉन में बेटा वन प्लस सेकंड ए एज लाइक ये दोनों कैंसिल हो गई यस व्हाट इज लेफ्ट वन प्लस सेकंड ए माइनस वन माइनस वन एंड प्लस वन इज कैंसिल व्हाट इज लेफ्ट राइट हैंड सा हमें ना बेटा सारा कुछ ध्यान मतलब यहाँ पे ये यह देखना होता है कि राइट right साइड में क्या चाहिए अब टेन स्क्वायर और नीचे सीकेंड ए है तो टेन स्क्वायर का रिलेशन सी है तो वो लिख दिया सीकेंड स्क्वायरस वन स्कौर. अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी है सेम थिंग ये कट हो गया 1 secant 1 1 से 1 कैंसिल secant is the answer Sir, now, हाँ जी बेटा उसको sin² a और cos² cos² के फॉर्म में नहीं कर सकते हैं कर लो ये थोड़ा इजी हो गया उसमें थोड़ा लेंथी हो जाएगा बेटा ओके सर ठीक है बाकी प्रैक्टिस है बेटा अपने आप पता चलने लग जाएगा जब सारे सम्स कर लोगे बाकी तुम तीन बुक्स में कर से करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा और भी अब नाउ नेक्स्ट सम वन प्लस सीकेंट ए अपॉन वी हैव टू प्रूव साइन ए अपॉन वन माइनस कॉस ए दिस वन यस नमन यस सर. यहां सीकेंड है यहां साइन कॉस है राइट साइड में तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें सीकेंड ए कैन बी रिटर्न है वन बाय कॉस very good main line secondly can be written as 1 by 1 cos a a uh, 1 and cos ka lcm cos a what we get cos a plus 1 cos a plus 1 main line 1 upon cos a yes cos a cos a is cancel what is left cos a plus 1 cos a plus 1 uh, chalo मैंने यही पे लिख दिया अब इसको बेटा मैं वन माइन प्लस कॉ से लिख सकता हूं नमन सर yes, अब राइट right साइड में मुझे क्या चाहिए अब मैं क्या करूं इसका ये बताओ नीचे क्या चाहिए वन माइनस कॉ से यहाँ नीचे क्या आ रहा है वन तो इसको अगर मैं वन माइनस कॉ से से मल्टीप्लाई कर दूं नीचे वन माइनस को से से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई चेंज आएगा no, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया सेम नंबर से डिवाइड नमन के पास हंड्रेड रुपीज हैं इसको फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया कितने हो गए फाइव हंड्रेड फाइव से डिवाइड कर दिया कितने रह गए हंड्रेड मतलब फाइव से मल्टीप्लाई फाइव से डिवाइड तो कोई चेंज नहीं आया ना ऐसे वन माइनस कॉस से मल्टीप्लाई किया वन माइनस कॉस से डिवाइड कर दिया अपॉन में है ना तो कोई चेंज नहीं होगा मतलब वही सेम जो आंसर है वही रहेगा बट हमें राइट हैंड साइड चाहिए थी, इसलिए हमने इसको ऐसे मोल्ड किया वन प्लस कॉस इंटू वन माइनस कॉस वी गेट वन स्क्वायर माइनस कॉसर एस नीचे वन माइनस कॉस ए वन स्क्वायर इज वन माइनस कॉसर ए अपॉन वन माइनस कॉस ए what is 1 cos square a sin square a sin square a नीचे 1 कॉस ए ओह ये तो आंसर ही आ गया हमारा जो चाहिए था आ गया यस yes, सर समझ आया सर प्लीज रिपीट कर दो रिपीट तो कर देता हूं मैं अह नमन मुझे एक बात बताओ बेटा आपको समझ आ रहा है ना प्रॉपरली यस yes, सर आ रहा है समझ ओके okay. मजा आ रहा है चीज चीज पूछनी पूछनी यस सर फिर एक, yes, एक थी हमारे स्कूल के टीचर ने कहा था कि ऊपर लिख देना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय वन माइनस वो लिखने की जरूरत है देखो बोर्ड में तो जरूरत नहीं है स्कूल में टेस्ट होंगे तो लिख देना ठीक है ओके सर बोर्ड में आपको इसके फुल मार्क्स मिलेंगे जैसे मैंने सॉल्व किया है बट स्कूल वाले कई बार टीचर क्या करते हैं जानबूझ के करने शुरू कर देते हैं कट करने मार्क्स की ये नहीं लिखा ये नहीं लिखा yes, जान बहुत okay. ये बेटा वन सेकेंड वन अपॉन कॉस सेकेंड वन अपॉन कॉस यस केशव सेकेंड को बेटा वन अपॉन कॉस लिखा फॉर्मूला yes, ये यस सर ऊपर अलग से जब तक सारे के नीचे नहीं आएगा हम नीचे नहीं लेके जा सकते तो क्या किया मैंने वन एंड कॉस का एल्सियम कॉस ही आ गया वन को किससे करें कॉस आ जाए कॉस कॉस इंटू वन कॉस ऑलरेडी था तो वन आ गया अब नीचे निचले वाले कॉस से निचले वाला कॉस कैंसिल हो गया yes. क्या रह गया कॉसे प्लस, प्लस, प्लस वन मैंने इसको वन प्लस कॉसे लिख लिया क्यों लिखा क्योंकि मुझे वन माइनस कॉसे चाहिए था वन माइनस कौसे से ऊपर वन माइनस कॉसे से नीचे क्यों किया राइट साइड देखो ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है इसको प्रैक्टिस करोगे तो आएगा धीरे धीरे खुद पता चलने लग जाएगा अपने आप पता चलने लग जाएगा कि हमें क्या चाहिए राइट साइड में उससे मल्टीप्लाई कर दिया देखो नीचे वन <coughs> है, है तो वन माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर बन गया नीचे वन को इससे करेंगे तो वन माइनस कॉस ए आ गया वन का स्क्वायर वन स्क्वायर ए नीचे वन माइनस कॉस ए वन माइनस कॉ स्क्सके यही हमारी राइट हैंड साइड है yes. now we'll reach on to question number 10 fourth part sine a upon 1 minus cos a is equal to cosecant a plus cot a is equal proof? prove yes uh, nicole what we can do सर uh, वी टेक sine uh, theta is equal to cos theta. हाउ वी कैन टेक sine theta is equal to cos theta? No, Nicole. यहाँ पे बेटा चाहे तो राइट साइड उठा लो चाहे लेफ्ट मैंने लेफ्ट ले ली सर हाँ जी बेटा सर इस वाले क्वेश्चन को आरएचएस से करिए प्लीज एक बार आरएचएस से भी कर दूंगा पहले एलएचएस से कर लो ओके सर देखो बेटा नीचे वन माइनस कॉस है तो वन प्लस से नीचे मल्टीप्लाई कर दो निकोल मल्टीप्लाई वन माइनस कॉस इंटू वन प्लस कॉस yes, क्या बन माइनस कॉस वन माइनस कॉस ए कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है सॉरी सर साइन एज लाइक वन प्लस कॉस एज लाइक अब वन माइनस कॉस्क्वा किसके इक्वल होता है बोलो बेटा वन माइनस कॉस्क्वा फॉर्मूला निकोल प्लस साइन स्क्वायर थीटा थीटा ए है तो ए आ जाएगा A. अब देखो ऊपर एक साइन है नीचे दो साइन है पावर टू है ना एक पावर कट होगी वन प्लस कॉस ए अपॉन इज लेफ्ट इसको बेटा मैं वन अपॉन साइन प्लस कॉसे अपॉन साइन लिख सकता हूं बोलिए ऊपर दो टर्म है नीचे एक टर्म है वन अपॉन साइन क्या होता है सर And upon सर वेरी गुड एंड कॉट और यही हमारी राइट हैंड साइड है अब मैं इसको राइट हैंड साइड लेके प्रूव करता हूं राइट हैंड साइड ले ली कॉसिकेंट ए प्लस कोट ए इज देयर आद्या कॉसिकेंट को क्या लिखूं सर वन अपॉन साइन ए प्लस कोट को क्या लिखूं कॉस ए अपॉन साइन ए सर एलसीएम लेंगे साइन ए वन वन प्लस कॉस ए अब जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां देखो बेटा

सर अब से वो हट जाएगा, तो जाएगा वन आ है ना तो सर उसको देख के मुझे लगा कि अब ये कैसे नहीं होगा उसको ने? भी देखो ना कि चाहिए क्या हमें नीचे वन माइनस कॉस से चाहिए ऊपर तो नीचे कर दिया

सर ये आपने आज इतना बोरिंग सा चैप्टर क्यों उठा लिया मैंने नहीं उठाया बेटा ये चल रहा है जो चल रहा है सर ज्योमेट्री उठा लेते। कोई बात नहीं वो भी उठ जाएगी हाँ जी पद्मनी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली ये चीज प्रूव करनी है तो क्या करूं मैं सर साइन को हम वन माइनस कॉस से लिखेंगे ये है कि जो माइनस फिर अगर होता तभी लिख सकते थे ना राइट साइड देखना बेटा क्या चाहिए हमें यस सर तो वन माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे ओके सर ऊपर नीचे ऊपर साइन ए इंटू वन माइनस कॉस ए आ गया और नीचे A. A like sin sin देखो ऊपर दो टर्म है नीचे एक है नहीं यही आंसर ही चाहिए था तो अलग अलग तो करना ही नहीं है इलेवंथ का बेटा सेकंड पार्ट पद्मिनी के बाद टर्न आती है परिधि की वन अपॉन कॉड स्क्वायर ए माइनस वन इज इक्वल टू टेन स्कोर क्वेश्चन करवा रहे इलेवंथ <coughs> का सेकेंड पार्ट बेटा सर इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच गए क्यों सारे समझ तो किए तो कहां सो रही है नींद आ गई थी तेरे को टेंथ का फोर्थ पार्ट हो गया सॉरी yes, uh, को पहले साइन और cos में चेंज करेंगे चलो देखो वन माइनस पर कोई फॉर्मूला नहीं होता।

साइन स्क्वे स्क्स 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 अब ये देखो ऊपर वाली टर्म से ऊपर वाली टर्म कैंसर होगी वन वन बच गया मतलब हमारे पास आ गया वन अपॉन कॉस ए मेन लाइन वन अपॉन साइन स्क्वा Square. अब ये मेन लाइन का ध्यान वन अपॉन कॉस है तो वन अपने प्लेस पे रहेगा कॉस कहा साइन कहाज टेन स्क् देखो ऊपर भी स्क्वायर है, है तो साइन अपॉन कॉस टेन होता है तो टेन स्क्वायर राइट हैंड साइट आया सर ये एक और समझा सकते कुछ नहीं बेटा सिंपल साइन कॉस में कन्वर्ट किया टेन को साइन अपॉन कॉस्ट लिख दिया को अपॉन ऑलरेडी था वन वन इंटू साइन है स्क्मी स्क्वायर एंड वन एलसीएम साइन स्क्वायर कॉस्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा

इसका बेटा थर्ड पार्ट सर, हाँ सर आज मेरी प्रिया बहन इफराइनम ने दर्शन नहीं दिए उसने आपको कुछ बताया क्यों नहीं दिए नहीं क्या हो सर, गया सर चले क्या हो गया नहीं सर कई कुछ नहीं हुआ सर चले कहां चले सर झारखंड क्यों गलत सर अच्छा सर उस बंदी ने मुझे सुबह से मैसेज नहीं किया सर सारी सब कुछ देख दो के भी उसने मुझे मैसेज नहीं किया चलो कोई बात नहीं आजा वापस ये है ना वन प्लस ही है <laughs> काम कर लो पहले बाद में बातें कर ये सिंगल इंस्टेंस इस टाइप का सम पहले भी आया था ना ए प्लस बी बी माइनस माइनस तो यहाँ पे साइन इंटू वन माइनस कॉस ए नीचे दो टर्म है नीचे एक टर्म है तो इसको वन अपॉन साइन ई में पहले भी चेंज करने लगा था ऐसे है ना कॉश ए अपॉन साइन ई राइट हैंड साइड में हमें कॉसिकंड कॉट चाहिए था ना वन अपॉन साइन क्या होता है कॉसिकॉन साइन